ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के सिंधे की छावनी स्थित एक होटल से युवक का अपहरण कर उसे दिल्ली स्थित एक जिम में बंधक बनाकर रखा गया और आरोपियों द्वारा युवक को जान से मारने की प्लानिंग की गई। लेकिन ग्वालियर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते न सिर्फ युवक को आरोपियों से मुक्त कराया गया बल्कि इस घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार एवं युवक की स्कूटी और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी अमित सांगी ने बताया कि गत रोज इंदरगंज थाना इलाके में रहने वाले चतुर्भुज ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका पुत्र घर से दोस्तों से मिलने के लिए गया था जिसके बाद वापस नहीं लौटा। जानकारी की तस्दीक करते हुए पुलिस ने जब विवेचना शुरू की तो पता चला कि शिंदे की छावनी स्थित होटल में युवक अपने चार दोस्तों से मिलने गया था और यहीं से चारों आरोपियों ने अपनी स्विफ्ट कार के जरिए युवक का अपहरण कर लिया और उसे दिल्ली स्थित जिम ले गए जहां उसे डराया और धमकाया गया। साथ ही युवक के पिता को मोबाइल पर मैसेज भेजा गया कि उनका पुत्र दिल्ली में है, जिस पर पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई और दिल्ली पुलिस की मदद से युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों द्वारा युवक के साथ दिल्ली में कोई स्टार्टअप काम शुरू किया गया था लेकिन युवक द्वारा बीच में काम छोड़ दिए जाने के बाद इनका लेन देन का हिसाब था और इसी हिसाब को पूरा करने के लिए आरोपियों ने युवक का अपहरण कर जान से मारने की प्लानिंग बनाई थी। पुलिस द्वारा आरोपियों की इस मामले में तलाश जारी है जिसके लिए पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई है। एसएसपी ने बताया कि इस पूरी घटना में युवक की जान को खतरा था इसलिए पुलिस ने कार्रवाई कर उसे आरोपियों से मुक्त कराया है। ये शिंदे की छावनी में रहने वाले एक परिवार ने थाने में आकर शिकायत की कि उनका लड़का जो है गुम गया है। उस पे से पुलिस ने तहकीकात आरंभ की पर इसी दौरान लड़के के पिता को मोबाइल पर कुछ मैसेज आए जिसमें लड़के ने ये बताया कि वो दिल्ली में है और उसको जिम में रखा गया है और साथ ही उसको उसके जो लोग लेके गए हैं उन्होंने बंधक बना के रखा है और उनके पास अवैध हथियार भी हैं जिससे वो उसको गोली मार सकते हैं। ये सूचना बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी और 364 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण चार लोगों के विरुद्ध कायम किया गया और रात में ही पार्टी दिल्ली निकाली गई और दिल्ली में जाके लोकल पुलिस की मदद से जब संभावित जो स्थान था वहाँ पर रेड की गई तो ये अपहृत युवक वहाँ पर मिल गया और उसके साथ दो आरोपी भी मिले हैं और साथ में एक कट्टा दो राउंड भी मिले हैं। वह कार जिससे इसको लेके गए थे वो भी जब्त हुई और इसकी लड़के की स्कूटी ये दिल्ली तक चला के ले गए थे वो भी जब्त हुई है। और इसमें कहानी ये है कि ये जो लड़का है अपहृत इसकी आरोपी गणों से फेसबुक पर बहुत पहले वार्तालाप हुआ पहचान हुई और ये भी कुछ नहीं कर रहा था तो दिल्ली ये चला गया। यहाँ जाके इन्होंने कोई एक स्टार्टअप कोई कंपनी इन्होंने चलाई सोशल ये अपना ऑनलाइन और इसमें जो है इनका कुछ लेन देन का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। लड़के ने बीच में काम छोड़ दिया तो ये लोग सभी यहाँ पर आए इंदरगंज स्थित एक होटल में रुके इसको बुलाया और इसको ज़बरदस्ती दिल्ली लेकर चले गए और इसमें दो आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपी अभी फरार हैं और अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी है कि एक आरोपी के विरुद्ध एक संगीन लूट का अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज है जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और दूसरे आरोपी का भी क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसे भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की एडिशनल एसपी साउथ सीएसपी इंदरगंज टीआई इंदरगंज और उनकी टीम ने अन्यथा इस बात की पूरी संभावना थी कि लड़के के साथ कोई गंभीर वारदात भी घटित हो सकती थी। इसका व्यापार कहाँ पे चल रहा था दिल्ली में नहीं दिल्ली में।